हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयागर 26 में आपका स्वागत है। तो आज हम रेडी हुए जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो जिसके लिए मैंने ये जन्माष्टमी की झांकी पूरी कंप्लीट कर ली है ये, और खुद भी आज मैंने इस राधा रानी टाइप्स लुक्स लिया है। तो वैसे मैं इतना हैवी मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन हमने कहा घर पे ही रहना है तो क्यों फिर मैंने कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फटाफट से सारी तैयारी की और उसके बाद पहले झांकी सजाई, फिर भोग बनाया, फिर खुद रेडी हुए। ये भोग के लिए मैंने पंजीरी के लिए ये आटा निकाल लिया। ये उस समय वीडियो रिकॉर्ड किया था कि जब हम भोग बना रहे थे तो ये फटाफट से पंजीरी को फ्राई कर रहे थे। उसके बाद ये शाम के लिए केक बनाने के लिए सारी मेवा को फ्राई किया और फिर बढ़िया से इसका पाक बना करके पट्टी बनाई। फिर जब हम रूम में देखो ये जन्माष्टमी में कर रही हैं भजन भगवान का बैठ के। ये देखो मेरा लड्डू झूला झूल रहा है और ये देखो भोग मेरा रेडी है। ये बनाया पंचामृत, ये हम लाए बनाना केले, और ये है पंजीरी, और सबसे मेन चीज़ है ये है कन्हैया के बर्थडे का केक। तो 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे तो मैंने अपने लड्डू के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। पूजा का दीपक भी जल गया था। अब लड्डू को शाही स्नान कराने के लिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को एक प्यारे से नए कटोरे में रखा। फिर मैंने गाय के दूध से उन्हें स्नान कराया और फिर उसके बाद ये देखो मेरे लड्डू ने नहा लिया दूध से। फिर मैंने ये लिया नॉर्मल जल, फिर मैंने उस पानी से भी उनको नहलाया। फिर उसके बाद मैंने लिया गंगा जल, गंगा जल से भी स्नान कराया और शहद दही दूध घी तो उसको लग ही चुका है लड्डू को। और फिर उसके बाद ये सारा स्नान करने के बाद तो लड्डू ने मेरे शाही स्नान कर लिया था। फिर उसको मैंने गोदी में लिया और फिर इस तरीके से उसको उसका पूरा टॉवल से उसको पोछा। पोछने के बाद अब लड्डू के नए नए कपड़े पहनेगा मेरा लड्डू। तो लड्डू के नए कपड़े निकालने के लिए ये मेरे लड्डू ने पहन लिए ये नए नए कपड़े। अब वो ऐसे पटका ओढ़ रहा है जी। देखो कितना प्यारा लग रहा है चंदन सा मेरा बाबू। उसने माला भी पहन ली है। अब मेरा लड्डू मुकुट लगाएगा जी। देखो ये देखो मैंने उसको पहनाया बढ़िया सा मोर मुकुट। और जी देखो मेरा लड्डू पूरा रेडी हो गया है। लड्डू केक काटेगा। मेरा लड्डू रेडी हो गया है। अब इसको ये देखो तो पूरी तैयारी हो गई है। लड्डू गोपाल नहा करके झूले में बैठ गए हैं। अब हम आग लगाने जा रहे हैं। लड्डू मेरा तैयार हो गया। अब उसको हम लोग भोग के लाएंगे। ये मैंने बनाए थे नारियल के लड्डू। और फिर देखो उसका श्रृंगार इसको पुष्प पर्पल कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को। ये है हमारे राधे कृष्ण। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब हमारे लड्डू का श्रृंगार और हो चुका है। अब मेरा लड्डू काटेगा केक। जे केक का भोग लगेगा। ये खाएगा मेरा लड्डू। भोग लगने जा रहा है जी। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरी श्याम। भोग लगाने के बाद फिर उनको हमने अर्पण किया तुलसी दल, क्योंकि बिन तुलसी प्रभु एक न माने। ये ऐसा तुलसी जी की आरती में कहा जाता है। नारायण को तुलसी से बहुत अधिक प्रेम है। फिर उसके बाद भोग लगने के बाद अब हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। गुब्बारों
बड़ों से रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, जिसको चखेगा श्याम तू तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा लड़वन के भोग लगे संत करे सेवा, फूल तारे लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंता महादेवा, अंधन को आंख देते कोढ़िन को खाया, भारत को शंभु सुते वारी। जय गणेश देवा माता के मुरली मधुर बाला से बड़े में कुंडल जल शिवारी की कुंज बिहारी की कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांतकारी। अब हमारी पूरी पूजा कंप्लीट हो, अब हम अपने घर की पूजा कंप्लीट करके चल रहे हैं हम सब लोग मंदिर। हम लोग मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने बाहर। चलो चलो सर। अभी अभी हम